दोस्तों आज इस वीडियो में एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो जानेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस है, रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने आप के लिए एसेट्स बनाते हैं जो उन लोगों को हर मंथ पैसे ला के दे, और उसके बाद वो लोग कम्फर्ट की चीजें खरीदते है। लेकिन दूसरी तरफ गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए पहले ही सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से कई अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए उन लोगों के पास थोड़े से भी पैसे नहीं बचते और वो पूरी लाइफ गरीब रह जाते हैं। ये डिफरेंस को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक हितेश नाम का लड़का था जो कॉलेज टाइम में एक कॉलोनी में रहता था जहां पर 7 या 8 घर थे। वो सारे के सारे घर बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए थे। वो कॉलोनी उसकी वजह से काफी खूबसूरत दिखती थी, लेकिन उन सब घरों के बीच में सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था और वो घर एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर जॉब या फिर छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोगों के थे। जहाँ पर हितेश रहता था वहाँ पर अंकल और आंटी रहते थे और वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके थे और उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब हितेश पहली बार उनके घर गया था तो उसे लगा था कि वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल है। उनकी कार से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, हर चीज परफेक्ट थी। हितेश को उनके फर्स्ट फ्लोर में एक रूम रेंट पर दे दिया था। हितेश ने बहुत बार नोटिस किया था कि अंकल और आंटी की पैसों के बारे में बहुत बहस होती थी। कोई भी एक्सेस खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार हितेश और अंकल एक साथ उनकी बालकनी में बैठे हुए थे। हितेश और अंकल बात करने लगे और हितेश ने उनसे कहा कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने शायद अपना घर कम्प्लीट नहीं किया। तो इस पर वो अंकल ने कहा कि वो बहुत ही कंजूस इंसान है, कार भी नॉर्मल सी खरीदी हुई है, एक ही फ्लोर बनाया है और उसी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं वो पैसे खर्चते ही नहीं है। थोड़े महीनों के बाद हितेश वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया तो एक बार उसे अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई फ्रेंड हो जिसको पीजी के तौर पर रहना हो तो बताना कि उनके पास वहां पर वैकेंसी है। तो हितेश ने कहा ठीक है अंकल। फिर उन्होंने अगले ही दिन फिर से दोबारा कॉल कर दिया और उन्होंने हितेश से कहा कि क्या आपने किसी फ्रेंड से पूछा। तो हितेश ने आंसर किया हाँ, लेकिन वो फ्रेंड कह रहे हैं कि आपका पीजी काफी कॉस्टली है, काफी महंगा है। तो अंकल ने कहा कि हम इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इसीलिए वो महंगा है। और फिर नेक्स्ट डे अंकल ने फिर से कॉल कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार है, आप उन्हें यहाँ पर भेज दीजिए। लेकिन हितेश ने अंकल से कहा कि एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स के लिए वो प्राइस भी ज्यादा ही है और वो फ्रेंड्स वहां नहीं गए। लेकिन जब हम ये पूरी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड की थ्योरी के साथ कंपेयर करें तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिर्फ वहां पर जो बिजनेसमैन का एक घर था जिसका एक फ्लोर ही बना हुआ था, लेकिन उसके 1-1.5 साल के बाद वही घर उस पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा घर बना हुआ था। सेकंड थिंग कि अंकल ने एक महंगी कार रखी हुई थी, लेकिन वो उस कार की बजाय स्कूटर चलाया करते थे। वो अंकल बाहर से बहुत अमीर दिख रहे थे लेकिन अंदर से उन्हें पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से उनके और उनकी पत्नी के बीच में बहस भी होती रहती थी। दोस्तों पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। उन लोगों की सैलरी 20,000 होगी लेकिन मोबाइल 50,000 का ले लेंगे। वो लोग जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बड़ी गाड़ी लोन और ईएमआई पर ले लेंगे। 5 या 10 हजार की जींस ले लेंगे, महंगे शूज ले लेंगे, लेकिन अमीर मेंटालिटी वाले लोग कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है वो कैलकुलेट करते है और कैलकुलेट करने के बाद उसके लिए पे करते है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, अमीर मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले अपने आप को पे करते है उसके बाद किसी और को। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, लेकिन बहुत ही कम लोग बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ किम कियोसाकी की रियल स्टोरी जानते होंगे। इन दोनों के मैरिज से पहले रॉबर्ट कियोसाकी पर बहुत ज्यादा उधार था, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे ये दोनों चाहते थे, लेकिन इनकी जो मंथली सैलरी थी उससे ज्यादा उनकी मंथली लोन ईएमआई थी जिसको पे करनी ही पड़ती थी। लेकिन रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स रॉबर्ट कियोसाकी को याद थे। रिच डैड ने कहा था कि सबसे पहले अपने आप को पे करो, इसीलिए रॉबर्ट ने अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करना स्टार्ट कर दिया था, फिर चाहे खर्चे में कुछ भी हो। और वो लोग एक्स्ट्रा काम करके लोन ईएमआई के लिए पैसा इकट्ठा करते थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर वो लोग पहले उधार देने लगे तो बाद में उनके लिए कुछ भी सेव नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव किए हुए पैसों से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे और फाइनली वो मिलियनर बन गए। दोस्तों हम लोगों में से काफी लोग ये गलती करते हैं
कि हम सोचते हैं कि हम पहले अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, या फिर सैलरी का जितना पैसा बचेगा उसमें से हम सेविंग कर लेंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि पहले पैसे को सेव करो और उसके बाद बाकी के खर्चे करो। आप ऐसा मान लो कि आपकी सैलरी ही कम है और हमेशा अपनी सैलरी का मिनिमम 20% सेव करो। अब सेविंग से तो आप अमीर नहीं बन पाओगे, तो उसके लिए लॉजिकली आपको सेव करे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टेप अमीरी की तरफ बढ़ने का फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अमीर मेंटालिटी वाले लोग पूरी लाइफ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। इस प्रिंसिपल को 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्ट पीपल बुक में शार्पन द सो के नाम से बताया गया है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि बहुत महंगी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती। जैसे कि फरारी कभी भी आपको टीवी में एडवर्टाइज करके ये नहीं दिखाएगी कि आप उनसे फरारी खरीद लो, और कोई हेलीकॉप्टर कंपनी या फिर प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए कभी एडवर्टाइज नहीं करेगी या फिर पैसा नहीं खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो टीवी ही देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां जानती है जो लोग ये महंगी प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में खरीद सकते हैं वो लोग अपना समय टेलीविजन में वेस्ट नहीं करते। ज्यादातर मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD या फिर ऐसा कुछ कर चुके हैं, इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि उनको अब आराम मिलना चाहिए और अब उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए वो लोग आराम से जॉब के बाद घर में आते हैं तब वो लोग टीवी देखकर खुद को रिलैक्स करते हैं। वैसे ही कई सारे मिडिल क्लास वाले बिजनेसमैन एक्सेट्रा लोग घर में आके आराम से सीरियल्स देखते हैं। नई चीजें सीखना या फिर नई चीजें लर्निंग करना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोगों को पता है कि उन्हें पूरी लाइफ अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। नई चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल लेके समझे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो एक बिलियनर भी है। अब उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिल गेट्स हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हैं और अपनी वेबसाइट gatesnotes.com में अपनी सारी बुक्स के नोट्स डालते हैं, और बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। ये एग्जाम्पल एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैक्सिमम लोगों की जॉब लगती है तो उनकी मेंटालिटी बदल जाती है और वो लोग सोचते हैं अपनी लाइफ अब तो सेट है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि मुझे अब ग्रो नहीं करना है, मैं इसी जॉब में रहूंगा, क्योंकि हम उसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होगी और प्रमोशन से बहुत प्रेडिक्टेबल मैनर में ग्रो होगी। उसका मतलब यह हुआ अब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, मतलब कि पैसे बचाने के माइंडसेट में। उस वक्त से हम हर चीज से पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पानी का बिल कैसे बचाए, खाने में पैसे कैसे बचाए, बिजली का बिल कैसे बचाए, और बस पूरी लाइफ इस स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे। और दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 आवर्स है और एक लिमिटेड विल पावर है, और उन्हें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, उनको लाइफ ग्रो करना है तो उन्हें दूसरे लोगों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसलिए वो लोग अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, उनके बिजनेस के टेक्निकल काम वो आउटसोर्स कर देते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल स्किल्स पर काम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर सके। ऐसा करने से आपको दो फायदे मिलते हैं। फर्स्ट ये कि आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड ये कि इस प्रोसेस में आप बहुत लोगों को जॉब दे देते हैं। अब दोस्तों, ये कहने का मतलब यह भी नहीं है आप सभी काम को आउटसोर्स करके बाद में घर में बैठ जाओ और दोबारा से टीवी ही देखने लगो। इसका मतलब यह लेना है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रही है, और अगर आपको दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपनी ग्रोथ को रोकोगे नहीं और इसीलिए अपने काम को आउटसोर्स कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक विन विन। रिसर्चर्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो लोगों को पसंद किया जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन लोगों को एक कमरे में बिठा दिया और उनके बीच के टेबल पर $100 रखे। रिसर्चर्स ने उन लोगों के सामने शर्त रखी कि आपको ये $100 आपस में बांटने हैं, लेकिन उसमें कुछ और रूल्स है। जैसे कि रूल नंबर 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो दो लोग $100 को कैसे कैसे बांटेंगे। रूल नंबर 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने जितने भी डॉलर्स आपस में बांटे क्या वो उसे मंजूर है या फिर नहीं है। अगर वो उसे मंजूर है तो उन दोनों को उतने उतने डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसे वो मंजूर नहीं है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ
तब रिसर्चर्स ने उस एक्सपेरिमेंट में एक पैटर्न देखा कि अगर पहला आदमी $100 को 50-50 डॉलर करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे तुरंत ही मंजूर कर लेता था और उन दोनों को $50-50 मिल जाते थे। अब दूसरी पैटर्न ये थी कि अगर पहला इंसान 60-40 करके बांटता था तो भी दूसरा आदमी उसे मंजूर कर लेता था। लेकिन अगली पैटर्न में पता चला अगर पहला आदमी उसे 70-30 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता था और उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता था। रिसर्चर्स ने ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों में अप्लाई किया, लेकिन ये नंबर 70-30 के आसपास ही आ रहा था। उसके बाद रिसर्चर्स को लगा कि $100 डेवलप्ड कंट्रीज के लिए शायद थोड़ा कम है, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्री में गए और वहां ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम रहे। अब आपकी बात करें तो आप भी अगर दूसरे आदमी होते तो आपका भी यही निर्णय होता कि पहले आदमी ने खुद को 70 क्यों दिए और मुझे सिर्फ $30 दिए, इसलिए मैं भी उसे 70 क्यों लेने दूं और उसे फायदा क्यों होने दूं। लेकिन अगर इसे लॉजिकली देखा जाए तो आपको वैसे भी इसमें से कुछ नहीं मिल रहा था, आपको इसमें सिर्फ हाँ बोलनी थी और आपको वो डॉलर्स मिल जाते। लेकिन मैक्सिमम लोग इस 70-30 वाले डील को ना ही बोलते हैं और ये साइकोलॉजी पुअर माइंडसेट की साइकोलॉजी है। पुअर माइंडसेट वाले लोगों में ईर्ष्या, कॉम्पिटिशन जैसे इमोशंस होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपना माइंड का यूज करते हैं और वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जिससे दोनों का फायदा हो सके और वो सिर्फ और सिर्फ विन विन में बिलीव करते हैं। वे विन लूज या लूज लूज वाली डील को एक्सेप्ट ही नहीं करते और विन विन सिचुएशन में भी अगर उन्हें कम परसेंटेज से फायदा हो रहा हो तो भी वो उस डील को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो डील बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्रिएट कर देगी, तो उस वजह से अपने आप को और बाकी लोगों को भी एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स जाने। सबसे पहला था फर्स्ट एसेट्स देन कंफर्ट, मतलब ये कि पहले ऐसे सोर्स बनाओ जिससे आपको पैसे आते रहे और उसके बाद ही कंफर्टेबल रहने की चीजें खरीदे। सेकंड पॉइंट था फर्स्ट पे योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को पे करें और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी इनकम या फिर सैलरी का एटलीस्ट 20% पहले सेव करें, फिर चाहे आपके पास कैसे भी खर्चे क्यों ना आए हो, उसके लिए आप ये मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और बाद में उस 20% पैसों का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। थर्ड पॉइंट था आउटसोर्स वर्क, अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपके पास टाइम की कमी है तो आप अपने दूसरे काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। अपने काम को आउटसोर्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाए। फोर्थ पॉइंट था कंटिन्यूसली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे, नया नया सीखते रहे। और फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट था थिंक विन विन, आप ये मत सोचो कि दूसरे को मेरे से ज्यादा फायदा या फिर प्रॉफिट मिल गया, बल्कि ये सोचो कि आपको पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था तो उससे कंपेयर करें तो अभी आपको कुछ तो मिल रहा है। और अगर आप टैलेंटेड हो, आपके पास स्किल्स है, तो आगे आप ऐसी सिचुएशन और अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट करोगे जिससे लाइफ में आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी कमेंट करना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो उस टॉपिक्स को हम जरूर कवर करेंगे।